बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान असानी अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है। ये चक्रवाती तूफान ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से जल्द ही टकरा सकता है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान के पास बना ये कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। वही भारतीय मौसम विभाग ने संकेत दिया कि चक्रवाती प्रणाली के पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तट की ओर बढ़ने की संभावनाएं जताई है। चक्रवाती तूफान असानी के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि अगले 48 घंटे में 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। दूसरी ओर नोएडा के कुछ हिस्सों में ओले गिरे हैं। उत्तरी राजस्थान, अरावली और दिल्ली NCR पर बादल छाए, जिसके कारण कुछ ही स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। उधर मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार सुबह दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे हुए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के ऊपर लो प्रेशर का क्षेत्र बना है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 48 घंटों के दौरान तेजी से डिप्रेशन में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।